जय हिंद फ्रेंड्स। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है और मतलब बहुत ज़्यादा फटकारा है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं भाई। मतलब मुझे अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, अनफ्रेंड कर दिए हैं, हमेशा के लिए हाथ जोड़ लिए हैं। बोले तुम आपने हमको धोखा दिया है। तो हमने पूछा भैया क्या हो गया। कहते हैं कि एक तो पैसा ले लिए हमसे, 160 रुपया, 159 रुपीज ले लिए, और कहे थे कि रोज वीडियो बनाऊंगा, रोज वीडियो नहीं बनाते हो। तो हम कहे हाँ यार, ये तो बात है, रोज वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। असल में रोज वीडियो वीडियो तो रोज बना रहे हैं, और ये सोच के बनाए थे कि एक वीडियो रोज बनाएंगे उन लोगों के लिए जो पैसा दे के देख रहे हैं। पर वीडियो बनने के बाद मन करता है कि अरे यार, इतना अच्छा वीडियो बना है, सिर्फ पैसे वाले देखेंगे तो मात्र 20-30 लोग देखेंगे, ये तो सबके लिए होना चाहिए। इसलिए बनाए तो थे ओनली मेंबर्स के लिए वीडियो, पर डाल दिए ओपन में। फिर आज वो नाराज हो गए, तो मुझे लगा कि नहीं, ओनली ओनली मेंबर्स के लिए भी वीडियो बनना चाहिए। तो भैया एक वीडियो बनाए हैं, कॉमरेड JNU की, कॉमरेड पुष्पा पांडे उर्फ कॉमरेड पूसी की कहानी। ये हमारे एक मित्र हैं अतुल राय, बहुत अच्छा लिखते, क्या मतलब बहुत छोटी उम्र का लड़का है पर क्या गजब लिखता है। उसने एक नया उपन्यास भी लिखा है, चांदपुर की चंदा। हालांकि मैंने उपन्यास नहीं पढ़ा, पर वो लड़का लिखता बहुत गजब का है। आजकल मुंबई फिल्म इंडस्ट्री गया है और वहां लिख रहा है। तो उनकी एक कहानी है, कॉमरेड पूसी की कहानी, JNU में लड़कियों को किस तरीके से जो है बर्बाद किया जाता है, इस पे एक कहानी है। तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया है उस कहानी का, और वो मैंने ओनली मेंबर्स डाला है। और ये वीडियो आप लोगों को सिर्फ ये सूचना देने के लिए बना रहा हूँ कि भैया ओनली मेंबर्स का एक और वीडियो आ गया है, और ओनली मेंबर्स के वीडियो वो लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल की मेंबरशिप ली है। तो आप, यदि आप मेंबर नहीं हैं और यदि बन सकते हैं तो बन जाइए, और आप मेंबर बन के वो वीडियो देख सकते हैं। और उस भी वो अलग प्लेलिस्ट है, ओनली मेंबर्स वाली प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें वो वाली वीडियो आएंगी, उसके लिए आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कीजिए और वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो ये सिर्फ उसको सूचना देने के लिए बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।